आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 के वेरी थर्ड क्वेश्चन की। तो सर, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको फैक्टराइज करना है इसको किसके द्वारा, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो भी सर्वसमिका, जो भी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, उसके द्वारा आपको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, ठीक है? इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए जिन जिन आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है, यदि आपने नहीं पढ़ा तो मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है इसका, या फिर 2.5 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का लेक्चर, उसको देखे। उसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज इस लेक्चर में बता दी थी, ठीक है? तो ये आइडेंटिटीज होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या सर क्वेश्चन ही जिसमें आ गया एक्स वाई में, तो बेटा इसकी प्लेस पर आप जो है ए भी यूज कर सकते हो, ठीक है? जब भी क्वेश्चन एक्स वाई में आ जाए तो आपको ये आइडेंटिटी लगाना है, और क्वेश्चन ए बी में आ जाए तो ये आइडेंटिटी लगाना है, ठीक है? कि सर इसकी नेगेटिव की भी होती है, ऑफकोर्स अगर यहाँ नेगेटिव करोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्या सर नेगेटिव आइडेंटिटी का भी यूज करेंगे? तो अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे, वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हम पॉजिटिव आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को वन टाइम कॉपी कर लिया यहां पर। अब हम इसको आइडेंटिटी वाला फॉर्म बनाएंगे। क्या सर कौन सा फॉर्म बनाएंगे? तो एक बार फिर से पीछे जो आइडेंटिटी में लिख रहा हूं उसको देखें। अगर आपके पास ऐसा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप इसको बेटा लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो क्या? और अगर ये 2 टाइम है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो a प्लस बी और a प्लस बी, एम आई राइट? कैसा हम लिख सकते हैं कि सर आपको ये तो आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी, अभी आपने बताई। तो बेटा इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर है। ये 9 किसी का स्क्वायर है क्या? सर आपको स्क्वायर है, 9 स्क्वायर होता है सर 3 का। तो मैं 9 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 3 का स्क्वायर, और साथ में x भी है तो 3x का होल स्क्वायर। क्या सर ऐसा क्यों लिखा? ध्यान से देखो, यदि बेटा मैं 3x का स्क्वायर कर दूं यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 इंटू 3, और x का स्क्वायर हो जाता है x इंटू x, तो 3 3 9। और जब नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनकी पावर एड होती है, तो x की पावर 2 एज इट इज आ गया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है? अब हमने इसको फैक्टराइज किया 6xy को, तो 6xy को हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसे आपके पास है 6xy, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 3x इंटू y, 2 3 6 और xy, ठीक है बेटा? क्या सर आपने इसको ऐसा फैक्टराइज क्यों किया? क्योंकि हमको ये वाली आइडेंटिटी फॉर्म बनाना है। कुछ भी बाहर हो ना हो, आपको 2 को सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन देखना है, क्योंकि इस आइडेंटिटी के जैसा बनाएंगे तो ये मिलेगा और इससे ये मिलेगा, और यही हमारा इस टाइप से आंसर होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू y प्लस, इस y को ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वाई स्क्वायर। ये जो है सिर्फ आइडेंटिटी अभी आपको याद रखने के लिए मैंने पीछे लिखी, इसका क्वेश्चन की प्रोसेस अभी नहीं लेना देना है। अब आप इसको बोल सकते हो इक्वेशन 1, तो आप पीछे मेरे पास जगह नहीं, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर बोल देता हूँ इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, इस इक्वेशन 1 की कंपेयरिंग आप किससे कर रहे हो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है? तो जब भी कंपेयर करते हो तो वैल्यू मिलता है, ए की प्लेस पर कौन है? ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए। तो जो भी ए जो है, ए का वैल्यू क्या होगा? जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, तो ए क्या हो गया? 3x का स्क्वायर हो गया बेटा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेटा ए का वैल्यू होगा 3x, समझ आ रहा है? और बी ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो बी का वैल्यू क्या होगा? तो जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर होगा तो उसको हम क्या लिख लेंगे? बी इज इक्वेलेंट टू वाई। क्या सर नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये बेटा, इसको हमने इक्वेशन बन दिया, इसकी कंपेयर इससे कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एज इट इज यहाँ पर बी, तो ए की जगह अंदर ब्रैकेट में कौन है? 3x, तो ए का वैल्यू 3x। बी की जगह अंदर ब्रैकेट में कौन है? वाई। क्या सर बीच में भी मिल जाएगा? ऑफकोर्स मिल जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर 2ab है, तो यहाँ पर 2 इंटू ए की प्लेस पर 3x है और बी की प्लेस पर वाई है, ठीक? ए बी के वैल्यू मिल गए, तो सिंस आप यहाँ से लिख सकते हो कि सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? तो वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो a का वैल्यू है वो कितना है? 3x है, तो आप ऐसा लिखोगे 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की प्लेस पर क्या लिखोगे?
3x इंटू बी की प्लस पर लिखोगे y प्लस बी की प्लस पर वापस लिखोगे y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3x प्लस b का वैल्यू क्या है y इस पूरे का होल स्क्वायर। तो हमको इससे ये कंक्लूजन मिला, ठीक है बेटा। ये इसकी पावर 2 है तो इसको हम कितने टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस y और फिर क्या लिख सकते हैं 3x प्लस y, और ये हमने हमारे ये जो इक्वेशन था इसको डायरेक्टली फैक्टोराइज करके हम ये लिख दिया 3x प्लस y प्लस 3xy। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए इतना लगा, अगला क्वेश्चन इससे ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या क्या बच्चों हमने हमने देखा कि ये किस आइडेंटिटी के जैसा है, तो पहले एक माइंड में हमने आइडेंटिटी लिखी ये वाली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, के सर माइंड में कैसे लिखी, मतलब सोची आपने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म के जैसा बनाया इसको, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी के स्क्वायर के, और स्क्वायर को आपने क्या लिखा ए प्लस बी ए प्लस बी, क्या बात समझ में आ रही है। इस टाइप से आपका ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है, तो इसमें यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव आइडेंटिटी, क्या सर कौन सी नेगेटिव आइडेंटिटी, आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस y का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं ये ए बी वाली यूज करूंगा, क्या सर ये क्यों यूज करोगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यदि आप इससे समझ आता है तो आप इससे भी हल कर सकते हो, मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिया है, यहां पर क्या है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको इस आइडेंटिटी के जैसा बना लेंगे तो इससे ये मिलेगा और इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो y का स्क्वायर है तो 4 किसका स्क्वायर है, क्या सर 2 का, तो आप लिख सकते हो क्या 2y का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस एज इट इज, 4 को फैक्टराइज करो, 4 को फैक्टराइज करके 2 into 2 लिखोगे, तो आपने लिखा 2 into 2, इसके साथ मैंने लिखा y और मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया पीछे मैंने 1, क्योंकि 2 2 सा 4y और 4y बन जा 4y, वापस आ गया और पीछे 1 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या 1 का स्क्वायर, क्या सर 1 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, नहीं 1 का स्क्वायर इज इक्वेलेंट टू 1 इंटू 1 1 बन जा आपके पास आएगा 1, तो आप इसको अरेंज करके ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने ऐसा लिख दिया, इसको दे दोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय, किससे कंपेयर करोगे, आप एक आइडेंटिटी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी से आप कंपेयर कर रहे हो बेटा, अगर इससे कंपेयर कर रहे हो तो आपको ab का वैल्यू मिलेगा, तो बीच इम्प्लाइज a की प्लेस पर कौन है, यहाँ पर a का स्क्वायर है तो a के प्लेस पर यहाँ पर अंदर कौन है 2y, ठीक है। अब आपको b चाहिए तो b इस ब्रैकेट के अंदर भी है, तो इस ब्रैकेट के अंदर कौन है 1, तो b इक्विवेलेंट टू 1 आ गया, ठीक है बेटा, ए बी का वैल्यू आ गया। सिंस आप लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे कि यदि ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पर माइनस यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा आया तो आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो देयरफॉर बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट करते चल रहा हूँ, a की जगह मैंने लिखा 2y इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे a माइनस बी, तो a के प्लस पर क्या लिखा हमने 2y, b के प्लस पर क्या लिखा 1, ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, तो हो जाएगा 2y माइनस 1 और क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर एंड हो गया। जिस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखे उस टाइप से आपको आइडेंटिटी यूज करना, ये नहीं कि आपने रट लिया कि सर प्लस वाली ही लगेगी माइनस वाली ही लगेगी, आपको कंडीशंस को वहां पे भाप लेना है कि सर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये कैसा पता चलेगा, तो आपको इसके लिए 2.5 का फर्स्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें सारी आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए आपको जिस आइडेंटिटी को यूज करना है उसको सोचना पड़ेगा पहले। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर में दिख रहा है, तो बच्चों इस टाइप से हो सकता है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, क्या सर क्वेश्चन ही एक्स वाई में है, तो आप ऐसा लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एम आई राइट, कैसा लिख सकते हैं आप कोस ऐसा लिख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन थर्ड, आपके पास क्वेश्चन गिवन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, आपको इसको कुछ इस टाइप से बनाना है, तो आपको क्या लिखना है, एक्स तो है ही
इसका स्क्वायर बता दिया माइनस y तो है, ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है, तो आपका लिखोगे y बाय 10 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपने दे दिया इसको इक्वेशन वन, क्या लिखोगे यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन बाय किससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब भी कंपेयर करते हो वैल्यू मिलती है, ए के लिए ब्रैकेट के अंदर कौन लिखा हुआ है x, तो ए x के इक्वल है, और b बेटा किसके इक्वल है, y बाय 10 के इक्वल है, तो आपने लिख लिया कंपेयर करके। सिंस बेटा आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है, तो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, b का वैल्यू है y का स्क्वायर, बराबर क्या होगा a प्लस बी, माने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहां पर आएगा y बाय 10, यहां पर आएगा y बाय 10। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.5 का थर्ड क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है तो बेटा, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मेरा चैनल डीवी केमिस्ट क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।